नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज चैनल लाइफस्टीज को। आखिरी चरण का मतदान होना बाकी है, आखिरी पड़ाव बाकी है। लोकसभा चुनाव की जितनी साजगाज थी वो अब धीरे धीरे खत्म हो गई है, क्योंकि 6 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है। और अब सबसे आखिरी जंग 19 मई को 7वें चरण की वोटिंग होगी और उसके बाद 23 मई को मतगणना होगी। लेकिन उससे पहले, आखिरी चरण से पहले, लालू प्रसाद ने स्टिकर जारी किया है। तस्वीर देखिए किस तरीके से स्टिकर के माध्यम से उन्होंने साफ साफ किया है, सावधान बिहार, तीर है घातक हथियार। बिहार की भलाई के लिए एनडीए को बिहार से दूर रखना है, अपना वोट सिर्फ लालटेन को दीजिए, यह अपील भी की है। और यह साफ साफ कहा है लालू प्रसाद यादव ने, जैसे तस्वीरें आपने देख ली हैं, कि तीर एक घातक है। तीर आप समझ गए होंगे, जदयू पर प्रहार किया है। इसके अलावा उन्होंने खत भी लिखा है, तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से, तस्वीरों के माध्यम से आप लगातार देख रहे हो किस तरीके से उन्होंने लिखा है। सुनो छोटे भाई नीतीश, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हें आजकल उजालों से कुछ ज़्यादा ही नफरत सी हो गई है। दिन भर लालू और उसकी लौ लालटेन लालटेन का जाप करते रहते हो। तुम्हें पता नहीं है लालटेन प्रकाश और रोशनी का पर्याय है, मोहब्बत और भाईचारे का प्रतीक है, गरीबों के जीवन में तिमिर हटाने का उपकरण है। हमने लालटेन के प्रकाश से गैर बराबरी, नफरत, अत्याचार और अन्याय का अंधेरा दूर भगाया है और भगाते रहेंगे। तुम्हारा चिन्ह तीर तो हिंसा फैलाने वाला हथियार है, मार काट व हिंसा का पर्याय और प्रतीक है। और हाँ, जनता को लालटेन की जरूरत हर परिस्थिति में होती है। प्रकाश तो दिए का भी होता है, लालटेन का भी होता है और बल्ब का भी होता है। बल्ब की रोशनी से तुम बेरोजगारी, उत्पीड़न, घृणा, अत्याचार, अन्याय और असमानता का अंधेरा नहीं हटा सकते। इसके लिए मोहब्बत के लिए खुले दिल और दिमाग से दिया जलाना होता है। समानता, शांति, प्रेम और न्याय दिलाने के लिए खुद को दिया और बाती बनाना पड़ता है। समझौता को दरकिनार कर जातिवादी, मनुवादी और नफरती आंधियों से उलझने के लिए वह जूझते हुए खुद को निरंतर जलाए रहना पड़ता है। तुम क्या जानो इन सब वैचारिक और सैद्धांतिक असूलों को। डर कर शॉर्टकट ढूंढना और अवसर देख समझौता करना तुम्हारी पुरानी आदत रही है। इसके अलावा भी उन्होंने लिखा है, और हाँ, तुम कहाँ मिसाइल के ज़माने में तीर तीर किए जा रहे हो। तीर का ज़माना अब लद गया, तीर अब संग्रहालय में ही रख दिखेगा। लालटेन तो हर जगह जलता दिखेगा और पहले से अधिक जलता हुआ मिलेगा, क्योंकि 11 करोड़ गरीब जनता की पीठ में तुमने विश्वासघाती तीर ही ऐसे घोंपा है। बाकी तुम अब कीचड़ वाले फूल में तीर घोंपो या छुपाओ, तुम्हारी मर्जी। तो आपने देख लिया क्या कुछ लिखा है लालू प्रसाद यादव के फेसबुक पेज पर और किस तरीके से ये स्टिकर भी एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं। तीर है घातक हथियार, उन्होंने साफ साफ कहा है और आगाह किया है लोगों से कि देखिए एनडीए बिहार के लिए खतरनाक है, उन्हें दूर भगाइए, तीर एक घातक हथियार भी है। अब क्या बिहार की जनता अपना क्या मूड बना चुकी है, क्योंकि 6 चरणों का मतदान तो हो चुका है। 6 चरणों में कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, इसका खुलासा भी होगा, सभी बातों का खुलासा होगा। 23 मई का इंतजार कीजिए। लाइव स्ट्रीम भी आप तक हर खबर सबसे पहले पहुंचा रहा है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, ताकि हर छोटी बड़ी खबरों के साथ हम आपको रूबरू करा सकें। धन्यवाद।